सरफेस टेंशन के बारे में काफी कुछ पढ़ा था, है ना। उसमें कैपिलरी रिएक्शंस वगैरह पढ़े थे आपने, कैपिलरिटी के बारे में वी हैव डिस्कस्ड, है ना। तो आज उसी को हम क्लासिंग, है ना। तो मैंने बोला था कि जब भी कंटिन्यूएशन में थ्योरी रहेगी तो थ्योरी थर्सडे के दिन होगा। जब कंटिन्यूएशन में ऐसा होगा कि चैप्टर एंड हो गया है संडे के दिन, तो फिर जो है थर्सडे के दिन न्यूमेरिकल सॉल्व, है ना। जब भी कोई टॉपिक एंड होता है तो उसकी फॉलोइंग क्लास न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की होती है ना, जिसमें कि हम पूरे उस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो आज जो आपको पढ़ना है, वी हैव स्टडीड अबाउट द कैपिलैरिटी, आपने पढ़ा था, है ना। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि व्हाट इज द कैपिलरी राइज, कैपिलरी राइज। तो आपने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था, है ना, कि कैपिलरी राइज के बारे में जस्ट आपने ये डिस्कस किया था कि कैपिलरी राइज का जो फॉर्मूला होता है वो आपका, या तो आप लिखते हो 2t/2t cos थीटा अपॉन रो जी, है ना, या इसी कैपिलरी राइज को हम लिखते हैं दैट इज 2t/ रो जी इंटू कैपिटल, है ना। और आपको इसमें पता है कि वो स्मॉल आर की वैल्यू होती है ये आपकी होती है कैपिटल आर कॉस थीटा, है ना। स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ ट्यूब, है ना। स्मॉल आर जो होता था वो क्या होता था, जैसे आपका रेडियस ऑफ ट्यूब, है ना। और जो कैपिटल आर था दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस, है ना। तो जो कैपिटल आर था वो क्या था, जैसे आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मेनिस्कस। ये जस्ट हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था दोनों, और इसको कैसे डिराइव करते हैं, इसके टू मेथड्स मैंने आपको बताया था, है ना। दो मेथड्स से इसका डेरिवेशन से बताया था कि उसको किस तरह से डिराइव। सर आपकी वॉइस बेटा आपके एंड पे इंटरनेट का कुछ इश्यूज होंगे, अदरवाइज है ना। क्या आपका क्या, तो जस्ट आपने बोला कि कैपिलरी राइज को अगर हम डिस्कस करेंगे ना, तो ये आपका एच की वैल्यू ये आ जाएगी, ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब और कैपिटल आर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस। इसमें कई बार ऐसा होता है कि कॉन्टेक्ट एंगल कई बार आपको जीरो दिया होता है, कि किसी केस में कॉन्टेक्ट एंगल की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी हुई है, जीरो। तो उस केस में स्मॉल आर और कैपिटल आर सेम है ना, कि स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, है ना। उदाहरण कई बार इस फॉर्मूले को जब हम यूज करेंगे तो कॉन्टेक्ट एंगल अगर जीरो दिया होगा तो मेनिस्कस का रेडियस ऑफ कर्वेचर और जो आपका रेडियस ऑफ द ट्यूब है वो दोनों क्या होंगे, सके आपके सेम। लास्ट क्लास में हमने इसी के बारे में डिस्कस किया है ना। आज थोड़ा सा सरफेस टेंशन का एक छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है, उसके बाद स्टार्ट द विस्कोसिटी, है ना। उसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे छोटा सा एक, वी विल स्टडी द विस्कोसिटी, है ना। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन का जो एक टॉपिक पढ़ा हुआ है दैट इज द फोर्स रिक्वायर्ड, राइट, टू सेपरेट ग्लास प्लेट, है ना, हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर बिटवीन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर बिटवीन देम। है ना, कि व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू ग्लास प्लेट्स, separate two glass plate having a small amount of water between them. दो ग्लास प्लेट के बीच में अगर हम वाटर स्प्रिंकल कर दें और उसको ऐसे चिपका दें, है ना। कई बार आप एक्सपेरिमेंट करके देखना कि इस तरह से अगर दो ग्लास की प्लेट है ना, किस तरह से अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि जैसे टू ग्लास प्लेट, एक ग्लास प्लेट ऐसा है ना, इसके ऊपर आप क्या करो कि वाटर स्प्रिंकल कर, और इसके ऊपर एक दूसरा ग्लास प्लेट ऐसे चिपका, है ना। तो उसको इस तरह सेपरेट करना बड़ा मुश्किल काम है, सेपरेट नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो वही आपको निकालना है कि अगर दो ग्लास प्लेट के बीच में अगर आप वाटर स्प्रिंकल करके उस दोनों को चिपका दो, तो उन दोनों को इस तरह से खींच के सेपरेट करने से वेरी टफ, है ना। तो वो क्यों टफ है और उसको सेपरेट करने में कितने अमाउंट का फोर्स रहेगा, ये आपको निकालने आना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना कि इसको थोड़ा सा मैं अगर लास्ट फिगर बनाऊं, ये बोल रहा हूँ एक ग्लास प्लेट आपकी ये है ना, जैसे टू ग्लास प्लेट्स,
यहाँ पे बेसिकली आपका जस्ट हम ये डिस्कस कर रहे थे कि देयर इज अ टू क्लास प्लेट्स, एक क्लास प्लेट आपकी ये है ना, जस्ट क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ, और दूसरी क्लास प्लेट आपकी ये है ना, इन दोनों को सेपरेट करना बड़ा मुश्किल काम है अगर इसके बीच में इस तरह से वाटर आ जाए, एक वाटर की अगर थिन लेयर आ जाए, थोड़ा मैं बना बना रहा हूँ, अदरवाइज तो गैप होता ही नहीं है, है ना, इसके बीच में अगर वाटर की थिन लेयर आ जाए तो इसको इस तरह से सेपरेट करना बड़ा मुश्किल काम है ना। तो आपको ये जानना होता है कि कौन सा ऐसा फोर्स है जो दोनों को अट्रैक्ट करके रखता है, कि अगर वाटर दो ग्लास प्लेट के बीच में अगर हम वाटर स्प्रिंकल करते हैं तो कौन सा ऐसा फोर्स है जो कि इन दोनों को बेसिकली आपके इस तरह से ज्वाइन करके रखता है। तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखना कि मैं अगर डिस्कस करूं कि इस ग्लास प्लेट के बीच में सेपरेशन सपोज कोई डी है ना, और ग्लास प्लेट ऑब्वियसली बात है कि इस तरह से थ्री डी कोई फिगर होगा ऐसा है ना, इस तरह से हम थ्री डी फिगर की बात करेंगे तो इसका एरिया ए, एरिया कितना है कि आपका कैपिटल ए, तो उसको सेपरेट करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि अगर मैं बोलूं कि यहाँ का प्रेशर पी नॉट है बाहर का, तो जब हम कॉन्केव से कॉन्वेक्स में जाएंगे तो प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और प्रेशर डिक्रीज होकर आपका हो जाएगा पी नॉट माइनस पी वाई आर, क्या करना, क्योंकि ये जो शेप होगा सिलेंड्रिकल हो, ग्लास प्लेट के बीच में जो आपका इस तरह से मेनिस्कस बनेगा इसका शेप कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा, तो जब ये शेप सिलेंड्रिकल होता है तो प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू टू टी वाई आर नहीं होती, बल्कि प्रेशर डिफरेंस हो जाता है टी वाई आर, क्योंकि ये जो शेप है इस तरह से जो बनेगा ये आपका सिलेंड्रिकल बनेगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया गया था कि सिलेंड्रिकल जब भी मेनिस्कस होगा तो उसमें प्रेशर डिफरेंस जो होगा वो टी वाई आर हो जाएगा। अब सही, आप देखो कि इसके अंदर प्रेशर तो कम है लेकिन यहाँ का प्रेशर तो पी नॉट ही है ना, और यहाँ का प्रेशर भी पी नॉट है, तो बाहर का प्रेशर ज्यादा है अंदर का कम है, तो एक प्रेशर डिफरेंस की वजह से अंदर की तरफ फोर्स लगा होगा ना, वही तो इसको होल्ड करके रखता है, अंदर का प्रेशर कम हो गया यहाँ का प्रेशर ज्यादा है तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से इसको चिपका कर रखा है। अगर आपको इसको सेपरेट करना है तो इस प्रेशर डिफरेंस के अगेंस्ट क्या लगाना होगा, फोर्स लगाना, तभी ये सेपरेट होगा, कि आपको अगर इसको सेपरेट करना है तो प्रेशर डिफरेंस के अगेंस्ट क्या लगाना होगा, जैसे कि आपको लिख सकता हूँ कि जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा ये आपका हो जाएगा एरिया इंटू प्रेशर डिफरेंस, है ना, ये जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो कितना हो जाएगा, जैसे कि आपका एरिया इंटू प्रेशर डिफरेंस, और ये प्रेशर डिफरेंस टी वाई आर हो गया, हम लिख सकते हैं कि जैसे कि आपका ये जो प्रेशर डिफरेंस होगा एरिया इंटू टी वाई आर। और थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है ना, तो आर डी बाई टू के इक्वल तो होगा, है ना, कि अगर मैं कॉन्टेक्ट एंगल को जीरो ले लू तो आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जैसे कि आपके डी बाई टू, यहाँ से जो आर होगा अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम आर ले लें और प्लेट के बीच का सेपरेशन अगर डी है तो आर की जो वैल्यू होगी वो आपकी डी बाई टू हो जाएगी, है ना, तो अल्टीमेटली फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट आ गया, भाई फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू क्लास प्लेट जो हो गया वो आपका हो गया टू टी ए बाई टी, है ना, कि फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू क्लास प्लेट कितना हो गया, जैसे कि आपका टू टी ए बाई टी। अब देखो कि अगर इसका सरफेस टेंशन टी है, इस प्लेट का एरिया अगर ए है और दोनों के बीच का गैप अगर डी है तो इतना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, और ऑब्वियस बात है कि डी की वैल्यू तो बहुत कम होती है, अगर डी की वैल्यू कम होगी तो जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो ज्यादा होगा, है ना, ये तो मैं थोड़ा सा गैप बना रहा हूँ, अदरवाइज तो छिपाते हो ना, तो जो मिनिमम मिलीमीटर से भी कम गैप होता है, तो जितना कम कम गैप होगा फोर्स रिक्वायर्ड उतना ही क्या होगा, जैसे आपका ज्यादा होगा, तो ये भी आपकी कैपिटलाइज के डिस्कशन पॉइंट्स में आ जाएगा, इतना फोर्स जो है लगाएंगे तभी दोनों चीजें क्या होंगी, जैसे आपकी सेपरेट होंगी, राइट, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो सरफेस टेंशन में ये कंसेप्ट थोड़ा सा आपको और एडिशनल। प्रेशर अगर कम होगा अंदर तो चिपकेगी क्यों दोनों, प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स लगेगा ना बाहर से अंदर की तरफ, भाई बाहर का प्रेशर ज्यादा है अंदर का प्रेशर कम है तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से अंदर की तरफ फोर्स लगेगा ना, बाहर का प्रेशर ज्यादा है अंदर का प्रेशर कम है तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से बाहर से अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, क्योंकि इसको इस तरह से बाइंड करके रखेगा, अगर आप सेपरेट करना चाहते हो तो इसके अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा और वो फोर्स इतना होगा, भाई बाहर से अंदर की तरफ एक फोर्स रहेगा ना जो कि दोनों प्लेट को बाइंड करके रखेगा, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ भी फोर्स लगता है, हमें इसलिए वो सेपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है, ट्राई करके देखना कभी, एक ग्लास प्लेट लो
थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल कर दो, बहुत ज्यादा नहीं, और उसके ऊपर दूसरी ग्लास प्लेट चिपका दो और फिर सेपरेट करने की कोशिश करो. इट्स वेरी हार्ड टू सेपरेट ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस. हाँ, उसके लिए इतना फोर्स चाहिए होगा क्योंकि डी बहुत कम होता है, इसलिए फोर्स के अमाउंट क्या होता है इसके आपका काफी लार्ज होता है. तो इस तरह से कर सकते हैं. इसको लिख लो जरा सा. हाँ, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड लगेगा फोर्स. भाई हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ, अगर प्लेट के ऊपर का प्रेशर पी नॉट है, अंदर में कम है, तो इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स रहेगा. ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, बाहर में फोर्स ज्यादा है, अंदर में प्रेशर कम है, तो प्रेशर डिफरेंस इस तरह से रहेगा, है ना. तो आपको उल्टा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको सेपरेट करने के लिए, है ना. तो दोनों प्लेट इस तरह से क्या होंगी, बाइंड होंगी. क्या आपका इस तरह से, और यहाँ पे आर की वैल्यू डी बाई टू इक्वल यहाँ पर, उसके ऊपर मैं एक मेथड दे रहा हूँ, पहले उसको अटेंड कर लो, फिर हम विस्कोसिटी स्टार्ट करते हैं. विस्कोसिटी एक बहुत छोटा टॉपिक, आई विल जस्ट गिव वन रिमाइंडर. हाँ, we can go for this question. बेटा ये तो प्रेशर डिफरेंस मैंने बताया था ना, कर्व की वजह से प्रेशर में चेंज आता है, ये मैंने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के ऊपर बेस्ड. This is based on the last lecture. उसको आप recording वगैरह देख लेना. If you have not attended. सेम क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड. ओके ओके, करेक्ट आंसर्स यू आर गेटिंग, सही आंसर बता रहे हो आप लोग, वेरी गुड. भाविया योर आंसर इज करेक्ट, वानी योर आंसर इज करेक्ट, रमेश योर आंसर इज करेक्ट, कार्तिकेय त्यागी योर आंसर इज करेक्ट. सही बोल रहे हैं ना. देखो बहुत लार्ज अमाउंट का फोर्स की रिक्वायरमेंट है इसको सेपरेट करने के लिए.
Manasu, your answer is correct. Nihal, your answer is correct. Piyush, your answer is correct. Yatharth Kumar Singh, आप यूनिट में मेंशन करो, किस यूनिट में आप लिख रहे हो? है ना, हो सकता है आप सीजी यूनिट में लिख रहे हो, न्यूटन में कन्वर्ट कर दो उसको. है ना कि न्यूटन में उसको आप कन्वर्ट कर लो. हाँ सही आंसर दिखा रहे हो कि ऑलमोस्ट इसका जो आंसर है ना 44.8 न्यूटन. What is the force required is 44.8 न्यूटन. है ना, इज द फोर्स रिक्वायर्ड. ये आपका आंसर. तो अभी तो आपने फॉर्मूला पढ़ा कि दो ग्लास प्लेट को अगर सेपरेट करना है तो फोर्स रिक्वायर्ड इज द 2TA/D होता है. है ना, तो इसने एक्चुअली में एरिया तो दिया हुआ है लेकिन डी नहीं दिया हुआ है, लेकिन वॉल्यूम दिया हुआ है. वॉल्यूम एरिया इनटू डी तो हो जाएगा. तो यहां से आप क्या करोगे, इस डी की वैल्यू को यहां पुट कर दोगे. है ना, कि वॉल्यूम बाई एरिया के टर्म्स में डी की वैल्यू को पुट कर देंगे. ये आपका हो जाएगा 2TA² है ना, कि अल्टीमेटली इसको अगर हम लिखेंगे तो 2TA² बाई आपका वी आ जाएगा. तो आपको पता सब चीजें दी हुई है, सरफेस टेंशन आपको पता ही कितना है, एरिया भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, तो फोर्स से आ जाएगा. फोर्स रिक्वायर्ड की वैल्यू क्या कर सकते हैं, आप पे कैलकुलेट प्रॉपर यूनिट चूज करोगे तो न्यूटन में 44.8 न्यूटन है ना, कि फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू ग्लास प्लेट इज द 44.8 न्यूटन. इसलिए हम इसको सॉल्व करते हैं. ये भी एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है क्योंकि आपको जानना है. इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर. चलो सरफेस टेंशन के बाद है ना, अब हम आते हैं. देखो अभी तक जो हम फ्लूइड स्टैटिक डायनेमिक्स पढ़ रहे थे ना, तो ना तो हम सरफेस टेंशन को कंसीडर कर रहे थे, ना ही आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको कंसीडर करते हैं. है ना, हम मान रहे थे कि लिक्विड जो आइडियल जो होगा वो नॉन विस्कस हो. है ना, कि बार बार हम एक डेफिनेशन दे रहे थे कि आइडियल लिक्विड नॉन विस्कस होगा, लेकिन रियल विस्कस कभी भी नॉन विस्कस नहीं होता. अगर रियल लिक्विड कोई भी है तो उसमें कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है ना. तो अब आपको जो टॉपिक पढ़ना है, एक छोटा सा टॉपिक है, वी कॉल इट एज अ विस्कोसिटी. है ना, इसको हम पढ़ते हैं बेसिकली आपका विस्कोसिटी. है ना, विस्कोसिटी जो होता है इट्स एन इक्विवेलेंट टू द फ्लूइड फ्रिक्शन. विस्कोसिटी जो होता है इसका इक्विवेलेंट फॉर्म क्या हो जाएगा, आपका फ्लूइड फ्रिक्शन. जैसे फ्लूइड के केस, सॉलिड के केस में फ्रिक्शन होता है, उसी का जो काउंटर पार्ट यहाँ पे होता है उसको हम बोलते हैं कि इसका जो काउंटर पार्ट होता है उसी को क्या होता है आपका विस्कोसिटी. जैसे स्टार्टिंग में जो तीन डायग्राम शो किए हुए थे, एक वाटर था, दूसरा ऑलिव ऑयल था, दूसरा तीसरा हनी था. है ना, तो तीनों लिक्विड में जो डिफरेंस है विस्कोसिटी का है, कि जो चीज इजिली फ्लो हो रही है उसकी विस्कोसिटी कम है. लाइक वाटर, ऑलिव ऑयल थोड़ा सा फ्लो को रेजिस्टेंस होता है, उसका विस्कोसिटी मीडियम होगा. और हनी बहुत टफ स्लोली फ्लो होती, मतलब उसमें रेसिस्टेंस फ्लो का ज्यादा है. तो विस्कोसिटी की सिंपल सी जब हम डेफिनेशन यहाँ पे लेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, राइट, ड्यू टू विच इट अपोजेस द relative motion between its layers is called viscosity. ये आपकी viscosity होती है ना. Viscosity is the property of liquid due to which it opposes the relative motion between its layers is called viscosity. अब इस बात है, friction का ही purpose यही तो होता है.
जो है फ्रिक्शन भी रिलेटिव मोशन को ही तो अपोज करता है। तो सॉलिड के केस में जिस प्रॉपर्टी की वजह से रिलेटिव मोशन अपोज करती है उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। लिक्विड के लेयर के बीच में जो रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला टर्म होता है ये पैरामीटर्स होता है उसी को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। हां एक्चुअली होता क्या है सर, जो सॉलिड्स का होता है उसमें तो अलग-अलग सॉलिड होते हैं, तो इसमें हाँ उसमें दो अलग अलग नहीं सेम नेचर के भी हो सकते हैं। वैसे तो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट होता है इसमें एक ही लिक्विड के अलग अलग लेयर्स के बीच में, या लिक्विड और सॉलिड के बीच में भी हो सकता है। मतलब सिर्फ लिक्विड की जरूरत नहीं है, लिक्विड और सॉलिड के बीच में भी क्या हो सकता है जैसे कि आपका विस्कोसिटी हो सकता है। तो मतलब फ्लूइड की वजह से जो फ्रिक्शन जैसा फोर्स एक्ट करेगा उसी को हम बोलेंगे विस्कस फोर्स, चाहे वो फ्लूइड फ्लूइड के बीच में हो चाहे फ्लूइड और सॉलिड के बीच में। तो वो जो चीज होती है एयर फ्रिक्शन है ना, एयर फ्रिक्शन जैसा टर्म भी जो होगा वो अलग चीज हो जाएगी। समझ करते हैं यहाँ पे बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू व्हिच इट अपोजिट द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स लेयर्स इज कॉल्ड द विस्कोसिटी। मैं अगर ऐसा बोलूं आपसे कि जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया ना कि कोई विस्कस लिक्विड यहाँ पे पोर कर दी, ये बहुत इजिली फ्लो करने वाला लिक्विड नहीं है बल्कि यहाँ पे कोई विस्कस लेयर अपने, ये आपका फ्लोर है हाँ, ये ग्राउंड है और यहाँ पे आपने एक विस्कस लिक्विड फ्लोर पोर कर दी, इसके जो विड्थ है सपोज बी हाँ, इस तरह से आपका कोई विस्कस क्या है बेसिकली आपका लिक्विड। अब मैं क्या करता हूँ इसके ऊपर एक प्लैंक रखता हूँ हाँ, यहाँ पे क्या है बेसिकली आपके कोई प्लैंक है और इस प्लैंक को किसी यू से आप मूव करते कोई फोर्स लगा के कांस्टेंट वेलोसिटी से हम उसको क्या करते हैं जैसे कि आपको मूव करते हैं। होगा कि एक्चुअली क्या कि इस पूरे लेयर्स में एक वेलोसिटी ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा, इस पूरे लेयर्स में क्या क्रिएट हो जाएगा जैसे कि आपका एक वेलोसिटी ग्रेडियंट है ना। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब ये हो जाएगा कि जो इस प्लैंक के लेयर कॉन्टेक्ट में लेयर होगी उसकी वेलोसिटी तो वही होगी जो प्लैंक की होगी क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। तो इसके इमीडिएट कॉन्टेक्ट में जो फ्लूइड की लेयर होगी उसकी वेलोसिटी वही होगी जो इस प्लैंक की होगी, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये लेयर की वेलोसिटी कम होगी, मींस एक वेलोसिटी का क्या क्रिएट हो जाएगा ग्रेडियंट, और जो फ्लोर के कांटेक्ट में लेयर होगी इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। हाँ भाई, जो फ्लोर के कांटेक्ट में लिक्विड होगा इसके मोशन का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं। तो एक वेलोसिटी यहाँ पे इसी चीज को हम बोलते हैं कि क्या क्रिएट हो गया बेसिकली आप पे एक इस तरह से वेलोसिटी ग्रेडियंट, इस तरह का जो डायग्राम हम बनाते हैं इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। ये जो टर्म आ गया है एक टर्म हम डिस्कस कर रहे हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसमें जो क्रिएट होगा वो क्या हो जाएगा जैसे आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट है ना। तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट विस्कोसिटी की वजह से क्रिएट हुआ कि हर लेयर जब इसको अपोज करेगी तो इस तरह से यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा जैसे आपका एक वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट हम ऐसे निकाल सकते हैं कि सपोज किसी वाई हाइट पे एक लेयर है, इसकी अगर वेलोसिटी v है तो इससे डेल्टा वाई हाइट ऊपर पे दूसरी लेयर इसकी वेलोसिटी आपकी हो जाएगी v प्लस डेल्टा। अगर y हाइट पे एक लेयर है इसकी वेलोसिटी अगर v है तो इससे डेल्टा v हाइट पे एक और लेयर होगी उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v प्लस डेल्टा। तो जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा, ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा हम ले सकते हैं डेल्टा v बाई डेल्टा y। डेल्टा वाई है वाई हम ऊपर गए तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी हो गया, तो डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई जो टर्म होगा इसको हम क्या बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। या इन जनरल इस वेलोसिटी ग्रेडियंट को मैं ऐसा लिख सकता था कि यू माइनस जीरो बाय डी। अगर मैं पूरा ले लू डी तो जो फ्लोर के कॉन्टेक्ट में लेयर है इसकी वेलोसिटी कितनी है जीरो है, और जो प्लैंक के कॉन्टेक्ट में उसकी वेलोसिटी कितनी है डी यू है, तो इसकी यू है इसकी जीरो है, तो यू माइनस जीरो कितने डिस्टेंस के लिए डी डिस्टेंस। तो एक वेलोसिटी ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, या तो आप इसको लिख दो डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई या इसी को हम लिख सकते हैं यू बाय डी भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब यहाँ पे आ गया कि भाई इसके लेयर्स के बीच में एक फ्रिक्शन जैसा फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि हम आइडियल लिक्विड में नहीं मान के चलते थे। अब ये जो विस्कस फोर्स है इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कैसे करें कि इसके बीच में फ्लूइड जैसा एक आपका फोर्स लग रहा है इसको हम कैलकुलेट कैसे करें। तो जानना कि जो ये विस्कस फोर्स होता है इसके कुछ रूल्स हैं। विस्कस फोर्स, तो ये जो विस्कस फोर्स होता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया,
है ना भाई, ये जो एरिया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मींस जो लेयर का एरिया है जिसके ऊपर हम फ्रिक्शनल फोर्स निकाल रहे हैं या विस्कस फोर्स निकाल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है भाई, इस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ध्यान रखना जो सॉलिड फ्रिक्शन होता था वो एरिया से इंडिपेंडेंट होता है। सॉलिड फ्रिक्शन को एरिया से क्या मतलब, लेकिन फ्लूइड फ्रिक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी आप चीज लेयर ले रहे हो उसके एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा एरिया होगा विस्कस फोर्स की वैल्यू उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। ऑल्सो दिस विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई, कि जितना ज्यादा ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है मींस विस्कस फोर्स उतना ही ज्यादा है, क्योंकि विस्कस फोर्स की वजह से ग्रेडियंट क्रिएट होगा। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया and also viscous force is directly proportional to the velocity gradient. ये रूल होता है कि as per rule अगर देखा जाए एरिया किसका बताया, दोनों के क्या होता है, बोलो बेटा। सर एरिया किसका बताया है ये फोर्स, एरिया जैसे आप इस तरह से देख लो कि भाई किसी चीज के ऊपर आप निकाल रहे होगा ना कि विस्कस फोर्स कितना लग रहा होगा। जैसे इस प्लैंक के ऊपर अगर मैं निकाल रहा हूँ तो इस प्लैंक का सर्फेस है, प्लैंक का जो भी सरफेस होगा जिसपे हम विस्कस फोर्स निकाल रहे हैं उसका सरफेस एरिया, तो जिस भी एरिया के ऊपर आप विस्कस फोर्स निकाल रहे हो वो जितना ज्यादा होगा विस्कस फोर्स की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, जैसे कि आप भी जानते हो। एंड आल्सो विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, और जैसे हम इसको कंबाइन करेंगे एक यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगाएंगे, दो चीज करेंगे, एक तो माइनस साइन लगाएंगे और एक यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगाएंगे ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा, और ये ईटा हम जानते हैं कि शुरू से डायमेंशनल एसिस से हम पढ़ते आ रहे हैं। ये जो ईटा होता है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। ये लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, डिफरेंट लिक्विड की कोफिशिएंट क्या होगा डिफरेंट, कि अगर हनी ज्यादा विस्कस है तो उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा हो, वाटर कम विस्कस है तो उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम हो। ये जो टर्म आता है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन, अपोजेस रिलेटिव मोशन। भाई विस्कस फोर्स जो है लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, तभी तो जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा है वो फ्लो नहीं हो पाती क्योंकि रिलेटिव मोशन अपोज हो रहा है, और जिसकी विस्कोसिटी कम है वो इजीली फ्लो होती है क्योंकि रिलेटिव मोशन का अपोजिशन क्या है, कम होती है। तो ये सबसे पहला लॉ आपका ही है, जो विस्कस फोर्स की वैल्यू होती है वो आपकी है ईटा ए डेल्टा बी बाय डेल्टा वाई, ईटा को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए एरिया, और ये टर्म तो मैंने बता दिया, इसको हम बोलते हैं जैसे आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब यहाँ पे आ गया ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगी इसकी यूनिट क्या होगी, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और ध्यान रखना कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो एसआई यूनिट होती है, है ना, उसको अगर हम वैसे तो निकाल ही सकते हैं, एक ऑप्शन और स्पष्टी की जो एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये आपका हो जाएगा 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये तो होता है ना, इसमें कटौती होना चाहिए, आपको यहां से निकालो, है ना, या विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होता है उसमें निकाल सकते हैं, है ना। वैसे यहां से आ जाएगा फोर्स का न्यूटन है मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके ये सारी चीजें आ जाएंगी, तो ये आपका 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम बोलते हैं 1 पॉइज़ले, ये आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है, दिस इज नोन एज ए 1 पॉइज़ले, है ना। नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने इसका वर्क किया उसके ऊपर है, 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा वो 1 पॉइज़ले के इक्वल हो, है ना। एक चीज है ना, इसमें सीजीएस यूनिट भी कई बार दी होती है, है ना, कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं, सीजीएस यूनिट ऑफ ईटा, तो ये आपका हो जाएगा 1 न्यूटन की जगह पे डाइन आ गया, ये आपका सेकंड आ गया बाय सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, है ना। इसको भी हम एक नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं 1 पॉइज़, 1 पॉइज़। तो कई बार आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पॉइज़ले के टर्म्स में दी होती है वो एसआई यूनिट है, और कई बार पॉइज़ के टर्म्स में दी होती है जो कि सीजीएस यूनिट, तो इसका कन्वर्जन आपको जानना चाहिए, व्हाट इज द कन्वर्जन बिटवीन द एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट।
हाँ तो सिंपल सा आप ये डायमेंशन से निकाल भी सकते हो, अदरवाइज मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि वन पॉइस इज इक्वल टू होता है ना, वैसे तो डायमेंशन से आप 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर, ये कन्वर्जन कि वन पॉइस की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, कि कभी भी पॉइस में दिया हुआ है तो पहले आप इसको कन्वर्ट कर देना आपका एसआई में, उसके बाद मल्टीपल अटेम्प्ट, अदरवाइज नहीं तो आंसर में डिफरेंस है। तो ये पहला फॉर्मूला जो है वो हमने इसके ये डिफाइन किया, ये द फर्स्ट फॉर्मूला। ऐसे कोई डेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है डेंसिटी से। हाँ कॉन्टेक्ट एंगल जीरो नहीं होगा तो मैं बताऊंगा आपको जब न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, है ना कि भाई जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो मैं उसको बताऊंगा उसको, है ना कि भाई जब न्यूमेरिकल आएंगे तो कॉन्टेक्ट एंगल अगर जीरो नहीं होता वही 2D cos थीटा हो जाएगा, अदरवाइज तो जीरो ही होता है लेकिन अदरवाइज 2D cos थीटा आ रहा है अगर कॉन्टेक्ट एंगल जीरो नहीं। पॉइज़ले की स्पेलिंग ये होती है, चेक कर लो एक बार मैं स्पेलिंग गलत लिखता हूँ, ये होती है पॉइज़ले की स्पेलिंग पॉइज़ले, ये होती है दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ पॉइज़ले, दैट इज अ 1 सेकंड न्यूटन, 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर। और भाई जैसे आपने बोला ना कि भाई अगर वो ग्लास प्लेट वाले क्वेश्चन में कॉन्टेक्ट एंगल जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, फोर्स की वैल्यू ये हो जाएगी, है ना 2TA cos theta upon d हो जाए, ये हम यूज कर लेंगे उस केस में फोर्स वैल्यू हो जाएगी। अगर कॉन्टेक्ट एंगल जीरो है तो उसको जीरो पुट कर दो, है ना ये आपका गैस राइट। तो इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, है ना उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो कि अब विस्कस फोर्स कुछ अलग चीज तरह की चीज है, दिस डिपेंड्स ऑन द एरिया जो कि नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स एरिया से इंडिपेंडेंट होता है, ऑल्सो दिस डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी, ऑल्सो वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है, अदरवाइज नॉर्मल फ्रिक्शन को तो वेलोसिटी से कोई मतलब ही नहीं होता, लाइक एयर फ्रिक्शन भी वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है, है ना। तो विस्कस फोर्स भी किससे डिपेंडेंट है, बेसिकली आपका वेलोसिटी डिपेंडेंट है। ये बात कर चलो तो आई विल गिव द वन न्यूमेरिकल, जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ओके आसान क्वेश्चन है, जस्ट बेस्ड ऑन द जो फॉर्मूला हमने लगाया।
काफी हद तक सही आंसर आप देख लेता हूँ किसके किसके सही आंसर आ रहे हैं. आई हैव गॉट सेवन आंसर्स. आशी कार्तिके सुहाना एकाग्र यथार्थ खुशी पीयूष है ना. आप सबके आंसर सही है. आदित्य योर आंसर इज करेक्ट है ना. सही है मनस्वी योर आंसर इज करेक्ट. अब इसे माइनस मत लगाओ. ये तो आपको फोर्स अप्लाइड निकालना है ना. फ्रिक्शन नेगेटिव होगा जो अपोजिट होगा डायरेक्शन से उसका मतलब होता है ना. उसमें माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं. आप सिंपल क्या बता दो. बिल्कुल सही है दक्ष. सही है आपका आंसर. सही है ना भाई. सिंपल सा दिस इज बेस्ड ऑन आदित्य जोशी. योर आंसर इज करेक्ट है ना. सही आंसर बता रहा है ना. इसमें कुछ नहीं था कि भाई कितना फोर्स लगाएंगे ताकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए. इसने ही तो बोला हुआ है इसको मूव करना है आपने कितने से है ना. ताकि 2 मीटर पर सेकंड से तो कितना फोर्स लगाएंगे ताकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे. तो टेंजेंशियल फोर्स उतने लगाएंगे जितना विस्कस फोर्स लग रहा है. जितना विस्कस फोर्स इसको अपोज कर रहा होगा उतनी आप टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे तभी तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से आगे जाएगा है ना. तो जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा उसकी वैल्यू ये बनेगी ईटा ए डेल्टा वी बाय डी. तो ईटा की वैल्यू उसने दी हुई है 10 to the power minus 2 पॉइस है. तो इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 10 power minus 3 हो जाएगी. एरिया इज आल्सो गिवन 10 मीटर स्क्वायर. वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो 2 माइनस 0 हो गया. कितने डेप्थ में 1 डेप्थ में है ना. डेप्थ की वैल्यू कितनी हो गई सके आपकी 1. तो यहां से आपका आंसर आ गया. तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका जाएगा 2 into 10 power -2 मीटर है ना. तो ये आपका आंसर आ गया 2 into 10 power -2 मीटर. इतना विस्कस फोर्स लगेगा प्लैंक के ऊपर इतने अमाउंट का फोर्स अगर हम फॉरवर्ड लगाएं तो ये कांस्टेंट स्पीड से मूव. सिंपली आंसर है. तो ये आपका आंसर है. हाँ सही आदित्य जोशी. रमेश सही आपका आंसर है. 0.02 होगा. वो कन्वर्ट भी करना पड़ेगा है ना. उसको कन्वर्ट भी करेंगे ना. कन्वर्ट करना जो भी है पॉइस दिया हुआ है ना तो ऐसा यूनिट में पहले कन्वर्ट करेंगे. इंपॉर्टेंट ओके कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन. हाँ नहीं अभी इसको नहीं कर सकते आप. वेट फॉर अ मोमेंट. पहले आप इसको अभी इसकी थ्योरी आपने नहीं पढ़ी. हाँ हो गया सही आपका आंसर.
हाँ रमेश सही है, आदित्य सही है, आपका आंसर यथार्थ सही है, विवेक कुमार दत्ता योर आंसर इज करेक्ट, साक्षी आंसर इज करेक्ट, है ना, सही है ना, सबके सही आएंगे क्योंकि जस्ट ये तो बहुत एलिमेंट्री लेवल का क्वेश्चन था, है ना। कुछ नहीं, शेयरिंग स्ट्रेस समझाते ही है, वह शेयरिंग स्ट्रेस जो होता है वो टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया होता है। अगर नॉर्मल आइडियल लिक्विड होता उसमें तो शेयरिंग स्ट्रेस पॉसिबल ही नहीं है, अगर आइडियल लिक्विड होगा तो वही फोर्स टेंजेंट के अलावा तो होता ही नहीं है, यही जो ये विस्कस लिक्विड है इसलिए टेंजेंशियल फोर्स लग सकता है। तो टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया ही क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेस होता है, और टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पे विस्कस फोर्स होता है, तो ईटा ए बी बाई डी हो जाएगा बाई ए, यहाँ से ए कैंसिल हो गया, शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू हो गई ईटा बी बाई डी, तो ईटा इसने दिया हुआ है 10⁻³, हाँ मेरे ख्याल से वी जो दी हुई है वो 5 दी हुई है मीटर पर सेकंड, और डी बी जो है वो भी 5 दी हुआ है, 5 5 कैंसिल, शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू आपकी है 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, ध्यान रखना शेयरिंग स्ट्रेस वर्ड आज विस्कस फोर्स के अलावा पहले हम बात कर ही रहे थे, पहली बार हमने शेयरिंग स्ट्रेस की बात, क्योंकि जब रियल लिक्विड होगा तभी विस्कस फोर्स होगा, कोई टेंजेंशियल फोर्स, अदरवाइज तो सारे फोर्स फिर सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। क्या पढ़े ऐसे वालों में आते हैं विस्कोसिटी में जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज योर स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी, है ना। यहाँ पे जो नेक्स्ट कंसेप्ट हम इससे पढ़ते हैं वी स्टडी द स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी, क्या पढ़ते हैं स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। व्हाट इज द स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी, है ना। तो देखो स्टोक्स लॉ क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कोई लिक्विड है ना, हर जगह पे बहुत लार्ज डायमेंशन का कोई भी लिक्विड है, और इस लिक्विड की डेंसिटी आप सिग्मा ले लो, है ना, और इसके अंदर हम क्या करते हैं ना कोई सॉलिड स्फीयर डिप करते हैं, यहाँ पे आप क्या डिप करते हो कोई सॉलिड स्फीयर, है ना, और इस सॉलिड स्फीयर की जो डेंसिटी है वो हम रो ले लेते हैं, है ना, कि भाई लिक्विड की डेंसिटी तो सिग्मा है, सॉलिड स्फीयर की डेंसिटी कितनी है, आपकी रो है ना। ऑब्वियस बात है जैसे आप इसको डिफ करोगे, अगर हम ऐसा ले लें कि रो इज ग्रेटर देन सिग्मा तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, और नीचे तक मूव करेगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी, वी गेन कर लेगा, इसी इंस्टेंट में कोई वी गेन कर लेगा, या फिर ऊपर से छोड़ा होगा क्योंकि वेट बॉयंसी फोर्स से ज्यादा है, ये नीचे जाएगा तो एक कुछ वेलोसिटी गेन करेगा, हाँ। अब यहीं पे आ गया कि अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, है ना, तो इस पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेंगे, पहला तो फोर्स इसका वेट हो जाएगा, हाँ, कि पहला फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा सर, आपका इसका वेट हो जाएगा, हाँ। दूसरा फोर्स जो होगा बॉयंसी फोर्स हो जाएगा, और अब दिया हुआ है कि जो लिक्विड है ये विस्कस है, मतलब इसकी कुछ कॉफिशिएंट है, विस्कोसिटी ईटा भी है, तो जब ये वी से जाएगा तो सॉलिड स्फीयर के ऊपर एक और फोर्स लग जाएगा, और वो फोर्स कौन सा होगा, विस्कस फोर्स, तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर और फोर्स रहेगा, दैट फोर्स इज नोन एज ए विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स, है ना। भाई अगर ये आइडियल लिक्विड होता तब तो हम विस्कस फोर्स की बात करते ही नहीं, सिर्फ वेट एंड बॉयंसी जो भी बात करते आ रहे थे, लेकिन जब ये रिलेटिव मोशन में आ गया, वी से नीचे जा रहा है किसी इंस्टेंट में, तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शन जैसा फोर्स बनेगा, और वही फोर्स कौन सा हो जाएगा, विस्कस फोर्स हो जाएगा। तो स्टोक्स लॉ किसी विस्कस फोर्स की वैल्यू को डिफाइन करता है, हाँ, कि इसके अकॉर्डिंग, स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये जो विस्कस फोर्स होता है, कि अगर हम बात करें स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये जो विस्कस फोर्स होगा दिस इज इक्वल टू द ईटा, हाँ, कि भाई इस विस्कस फोर्स का पहले भी आपने फॉर्मूला भी ड्राइव किया होगा, हाँ, कि जो विस्कस फोर्स होता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, है ना, ईटा आर बी, ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर इज द रेडियस,
एन वी इज द वेलोसिटी, और जैसे हम प्रोपोर्शनल साइन आएंगे यहाँ पे कॉन्स्टेंट आ जाता है, वो कॉन्स्टेंट होता है 6 pi 8 r। तो ये स्टोक्स लॉ होता है कि जब भी कोई सॉलिड स्फीयर किसी लिक्विड में किसी वी से मूव कर रहा होगा तो उसके ऊपर एक विस्कस फोर्स लगेगा, और उस विस्कस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 6 pi 8 r। अब आप थोड़ा ध्यान रखना कि ये जो विस्कस फोर्स है दिस इज वेलोसिटी डिपेंडेंट, ये आपका वेलोसिटी डिपेंडेंट है। तो आप थोड़ा ध्यान रखना, एक्चुअली में जब ये नीचे जा रहा होगा तो इसकी स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी, बढ़ती इसलिए जाएगी क्योंकि स्टार्टिंग में mg की जो वैल्यू है वो fg से ज्यादा है, तो जैसे जैसे नीचे जाएगा स्पीड बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स बढ़ेगी, लेकिन एक स्टेज पर सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। जैसे जैसे ये नीचे जाएगा इसकी स्पीड बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा, तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा तो एक स्टेज पे सारे फोर्सेस बैलेंस, और उसके बाद इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। सिंपल सा बोलेंगे कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम ऑल फोर्सेस बैलेंस, all forces balance and velocity become constant, after some time all forces balance and velocity become constant and that velocity is called terminal velocity, terminal velocity, yeah, after some time all forces balance and velocity become constant, और इसी constant velocity को हम क्या बोलते हैं, terminal velocity बोलते हैं। तो कुछ time बाद क्या होगा, जब सारे forces balance हो जाएंगे है तो उसकी velocity constant हो जाए, और इसी velocity को हम terminal velocity vt बोलते हैं। फिर terminal velocity हम इजीली निकाल सकते हैं सारे forces को balance कर, जब भी आपकी टर्मिनल वेलोसिटी होगी तो यहाँ पे वेट को ये दोनों फोर्सेस बैलेंस कर देंगे, mg is equal to आपका हो जाएगा बॉयंसी फोर्स प्लस स्टोक्स लॉ वाला फोर्स। सबकी वैल्यूज पुट कर दो, स्फीयर का मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू 4/3 πr³। बॉयंसी फोर्स में लिक्विड की डेंसिटी लगती है तो सिग्मा इनटू 4/3 πr प्लस विस्कस फोर्स अभी आपने बोला है 6 pi 8 r, और ये जो वेलोसिटी होगी ये टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी, तो यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, है ना, इसको जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ से किसका एक्सप्रेशन आ जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी का। तो टर्मिनल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आपके पास है, वैसे तो आप बैलेंस करके ही निकाल, है ना, क्योंकि स्ट्रेस के बाद हमेशा ऐसा होगा जैसे कोई भी बहुत कोई विस्कस हनी टाइप का कोई जार में रखा हुआ लार्ज साइज के जार में, अगर आप उसके ऊपर छोटी सी कोई आयरन की बॉल प्लेस कर दो पहले तो वो स्पीड बढ़ेगी, एक स्टेज के बाद वो बहुत आसान आराम से फ्लो होने लगे, मतलब उसने टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर, उसके बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। सबसे पहले में वेलोसिटी बढ़ती क्यों है, कि वेट की वैल्यू बॉयंसी फोर्स से ज्यादा है, आपने बोला ना डेंसिटी ज्यादा है इससे, जब वेट की वैल्यू बॉयंसी फोर्स से ज्यादा होगी तो नेट फोर्स डाउनवर्ड रहेगा, तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन जैसे वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगी तो विस्कस फोर्स भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना, तो वेट तो बॉयंसी फोर्स से ज्यादा है लेकिन जैसे जैसे बढ़ेगा ये दोनों मिलके वेट को बैलेंस करेंगे, तो जब दोनों सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे उसके बाद इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी का हम क्या होता है आपकी टर्मिनल वेलोसिटी, और यहाँ से उस टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, ये टर्मिनल वेलोसिटी की जो वैल्यू का एक्सप्रेशन आएगा वो आपका ये है, दैट इज द 2/9 r²g, दैट इज द रो माइनस सिग्मा बाय ईटा, ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है ना, इसी से हम निकाला है ना, सारे फोर्सेस को बैलेंस करके दिस इज द वैल्यू ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी, तो कोई भी चीज अल्टीमेटली टर्मिनल वेलोसिटी को गेन कर लेती है ना, कि जब भी किसी हाइट से हम उसको छोड़ेंगे अल्टीमेटली वो क्या गेन कर लेती है, टर्मिनल है ना, कि अल्टीमेटली उसके वेट को बाकी फोर्सेस अपवर्ड बैलेंस कर लेते, तो उसके बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, या फिर इसको समझते हैं, है ना।
यही होता है स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल लॉ. हाँ अनिरुद्ध, खुशी, कार्तिके, आपके आंसर सही थे. सुहाना एंड पीयूष शाह ऑफ लास्ट क्वेश्चन. ये तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. कई बार देखोगे ना पैरा जंपर्स भी जो होते हैं जो किसी एरोप्लेन से जो जंप करते हैं बिना पैराशूट के, वो भी अल्टीमेटली टर्मिनल लॉस की गेन कर लेते हैं जब वो नीचे डिसेंड करते हैं, है ना. कि पैराशूट तो बाद में ओपन करते हैं वो, जब तक उनका फ्री फॉल स्टार्टिंग में तो फ्री फॉल होता है, यानी कि स्टेज के बाद उनके वेट को एयर फ्रिक्शन बैलेंस कर लेते, उसके बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, उसी को हम टर्मिनल वेलोसिटी. सर ये एफबी में जी भी तो आएगा इसमें. हाँ जी भी आएगा, बिल्कुल जी आएगा, वैसे फोर्स में यहाँ पे जी भी है, ग्रोवेज ही होता है, बिल्कुल जी है. यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी आता है प्रियंका सर, ये आपका गया स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी. अब एक चीज आती है, ये जस्ट एक फॉर्मूला है, मतलब इसमें मतलब ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, एक जस्ट एनसीईआरटी की एक नॉलेज है, वह एनसीईआरटी में वो दिया हुआ है इसलिए हम उसको याद करते हैं, है ना भाई. उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा उस चीज को ध्यान रखना होगा, हो सकता है कभी मेंस में कोई उसके ऊपर क्वेश्चन हो, है ना. वी लर्न अबाउट वन यूनिक नंबर दैट इज नोन एज अ रेनॉल्ड नंबर, है ना. यहाँ पे हम पढ़ते हैं सके आपका, वी स्टडी अबाउट द वन यूनिक नंबर दैट इज नोन एज ए रेनॉल्ड्स नंबर. रेनॉल्ड्स नंबर, भाई रेनॉल्ड्स नंबर क्या हो, है ना. तो रेनॉल्ड्स नंबर ये डिसाइड करता है कि नेचर ऑफ फ्लो कैसा होगा. रेनॉल्ड्स नंबर इंडिकेट नेचर ऑफ फ्लो, नेचर ऑफ फ्लो, वेदर स्ट्रीम लाइन और टर्बुलेंट, स्ट्रीम लाइन और टर्बुलेंट. रेनॉल्ड्स नंबर ये डिसाइड करता है कि किसी पाइप से जब लिक्विड फ्लो होता है तो उसका नेचर कैसा होगा, स्ट्रीम लाइन होगा या टर्बुलेंट होगा, है ना. तो आपको पता है कि इस तरह से कोई पाइप है, है ना, इससे कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है ना. तो हम ये जानना चाहते हैं कि इससे जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका नेचर कैसा है. तो जो भी लिक्विड फ्लो होगा उसकी डेंसिटी कुछ रो होगी, है ना. इस पाइप का डायमीटर सपोज डी है, है ना, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसकी ईटा है, और जो लिक्विड इसमें फ्लो हो रहा है इसकी वी वेलोसिटी. तो हम जानना चाहते हैं कि भाई इस डाटा से ये इसका नेचर स्ट्रीम लाइन होगा या टर्बुलेंट होगा, कैसा फ्लो होगा इसका, है ना, स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा या टर्बुलेंट फ्लो होगा. तो हम इसके लिए एक रेनॉल्ड्स नंबर डिफाइन करते हैं. हम इसका रेनॉल्ड्स नंबर जब निकालेंगे तो रेनॉल्ड्स नंबर को हम आरई से शो करते हैं, और ये होता है रो वी डी बाई ईटा, है ना. कि आपको इस लिक्विड की डेंसिटी पता होगी, फ्लो की वेलोसिटी पता होगी, डायमीटर पता होगा, ईटा पता होगा. तो इससे हम रेनॉल्ड्स नंबर निकाल लेते हैं, है ना, कि भाई एक नंबर आ जाएगा वो निकाल लेंगे. अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर इसका जो आ रहा है, हाँ, इफ इट इज लेस देन 1000, फ्लो की वेलोसिटी अगर कम है, बहुत स्लोली कोई चीज फ्लो हो रही है इसमें, और रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर 1000 से कम आ रही है तो फ्लो का नेचर स्ट्रीम लाइन होता है. ये फ्लो कैसा होता है, इसलिए आपका स्ट्रीम लाइन इसके डाटा को वैल्यू पुट करके निकालेंगे. रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू रो वी डी बाई ईटा, हाँ सब कुछ. बस है देखो इसमें यूनिट कोई भी लोग फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसमें सारे डायमेंशंस कैंसिल हो गए. ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, नंबर आ रहा है ना, ये जो क्वांटिटी होती है एक्चुअली में क्या होती है, आपकी डायमेंशनलेस होती है, उसमें कोई भी यूनिट को फर्क नहीं पड़ता.
अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम है तो स्ट्रीमलाइन तो होगा, और अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से ज्यादा आती है ना तो टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो है ना। तो ये इसमें क्राइटेरिया है कि भाई जो भी डाटा है उसको पुट करो, अगर ये आ रहा है तो स्ट्रीमलाइन, ये आ रहा है तो टर्बुलेंट फ्लो, और इन दोनों के बीच में अगर कोई चीज आ रही है बिटवीन दिस टू तो वो अनस्टडी फ्लो होता है, उसको ना तो हम स्ट्रीमलाइन बोलेंगे ना टर्बुलेंट, उसको हम बोलते हैं अनस्टडी। हाँ भाई इससे कम है तो स्ट्रीमलाइन, इससे ज्यादा तो टर्बुलेंट, इसके बीच में अगर कोई नंबर आ रहा है तो अनस्टडी फ्लो है ना, ये थोड़ा सा इसी को हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। तो ये एक थ्योरेटिकल चीज है, सर इन सब फ्लो में डिफरेंस क्या होता है? इन फ्लो में डिफरेंस मैंने स्टार्टिंग बताया था कि स्ट्रीमलाइन फ्लो की प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे इसको आप इस तरह से देख लो, जैसे आपके पास जो हम ये लेते हैं ना आपका जो अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती से जो स्मोक निकलता है उसको आप धीरे धीरे वॉच करो, आपको टर्बुलेंट और स्ट्रीमलाइन में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। भाई अगर बत्ती आप देखोगे ना, आज ही जाके देखना अगर बत्ती जला के उसके स्मोक को देखो, ये स्टिक है आपकी है ना, आप देखोगे जब स्मोक स्टार्टिंग में जब राइज करता है तो एक ऑर्डर्ड वे में राइज करता है, वो स्ट्रीमलाइन होता है, और लेकिन जब जाता है तो फिर बाद में फिर जैसे जैसे डिस्पर्स हो जाता है, स्टार्टिंग में इसका नेचर जो होता है वो स्ट्रीमलाइन है ना, एक ऑर्डर्ड पाथ जब कोई चीज फॉलो करती है उसी को हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन, और जब ऊपर जाएगी और ज्यादा चीज तो इस तरह से डिस्पर्स हो जाती है, जब कोई ऑर्डर नहीं होता तो उसको हम क्या बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो है ना, तो स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो, ये स्ट्रीम लाइन एंड टर्बुलेंट। सर तो फिर अनस्टडी फ्लो में क्या होता है? अनस्टडी फ्लो में हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि कौन सा फ्लो का नेचर है क्या। देखो लैमिनर फ्लो और स्ट्रीम लाइन एक ही चीज होती है, स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड लैमिनर फ्लो एक ही चीज, उसमें हम कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे कि नेचर कैसा है, इसलिए उसको अनस्टडी हुआ। लैमिनर फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो स्टार्टिंग के कंसेप्ट में तो हम एक ही मानते हैं। तो जैसे सर, आपने बोला था कि सर जो ये स्मोक है ये ऊपर जाके इसमें जो रेनॉल्ड्स नंबर है ये चेंज हो जाता है? हाँ चेंज हो जाता है, कुछ एयर के कॉन्टेक्ट वगैरह में आता होगा ना, तो उसमें रैंडमनेस बढ़ जाती है ना, रैंडमनेस बढ़ जाती है उसमें, तो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट है ना। स्टडी अनस्टडी का मतलब है कि एक ट्रांजिशन हो रहा है, उस ट्रांजिशन फेज में नेचर कैसा होगा हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पा, तो उसे को हम अनस्टडी फ्लो। चलो तो ये जस्ट हमने पढ़ा, अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ आपको है ना, बेस्ड ऑन फर्स्ट विस्कोसिटी then I will move to the surface tension. Viscosity का एक question अभी बचा हुआ है, उसके बाद फिर surface tension पे आते हैं। Okay, you can go for this question.
हाँ भव्या सही आपका आंसर। हाँ पीयूष अनुरोध योर आंसर इज करेक्ट। हाँ रचित कुमार योर आंसर इज करेक्ट। हाँ रमेश थोड़ा सा डाटा चेक कर लो, बाकी तो सही है आपका आंसर, बस यूनिट्स वगैरह देख लो। जैसे इसमें विस्कोसिटी दिया हुआ मीन्स। हाँ आदित्य सही आंसर है, तो विस्कोसिटी का डाटा समझ में आता है कि 9.8 लेना चाहिए। वैसे क्वेश्चन में दिया भी होगा, नहीं नहीं भी दिया तो 9.8 हो जाएगा। रमेश सही आपका आंसर है। हाँ सही आंसर है काफी लोगों के, दैट आंसर इज द 20 मीटर इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं है, देखो आपने इसको रेस्ट से छोड़ा, इसका फ्री फॉल हुआ और इसने वाटर को टच किया तो इसकी वेलोसिटी भी हो गई। अभी बोल रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मीन्स की वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी। इधर वेलोसिटी इसमें वाटर में आने के बाद चेंज नहीं हो रही है, मतलब ये टर्मिनल वेलोसिटी होगी। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा है, 2/9 r² g (ρ - σ) / eta। इसे आप टर्मिनल वेलोसिटी निकालो, और h हाइट पे कितनी वेलोसिटी गेन करेगा हम जानते ही हैं, ये फर्दर हो जाएगा √2g h पे, हां तो h की वैल्यू आप निकाल लेना, हां ये किसके इक्वल हो जाएगा इसलिए आपको √2g h, तो इससे आप किसकी वैल्यू निकालोगे इसलिए आपकी h की वैल्यू कैलकुलेट करो। हां तो जैसे आप कैलकुलेट करोगे h की वैल्यू, तो h की वैल्यू आपकी 20 मीटर, 20 मीटर से जो ये वेलोसिटी गेन करेगा वो वेलोसिटी ऑलरेडी टर्मिनल के इक्वल ही होगी, तो फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी इज करने का है ना, तो ये फिर से आंसर है, तो 20 मीटर इज द करेक्ट आंसर है ना, कि 20 मीटर जो है वो सही आंसर।
दिस इज द डेरिवेशन, थोड़ा सा इसको पढ़ लो फिर मैं इसको डिराइव करता हूँ. ऑफ सरफेस टेंशन, डेरिवेशन ऑफ सरफेस टेंशन. ओके है ना, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ है ना. ये तो कोई न्यूमेरिकल है नहीं कि आप इसका आंसर दोगे, जस्ट आई विल एक्सप्लेन इट. इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है, इससे डेरिवेशन. ये क्वेश्चन ही बोल रहा है कि एक कोई सो बबल था इसका रेडियस ए था, एक कोई सो बबल था उसका रेडियस बी था, दोनों कंबाइंड होके एक थर्ड लार्ज सो बबल बनाता है इसका रेडियस अगर सी. तो अगर एटमोस्फेयर प्रेशर पी नॉट है तो सरफेस टेंशन की आपको वैल्यू निकालनी. एक और इसने वर्ड यूज किया है अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन है ना. तो आप ऐसा एज्यूम कर लो कि भाई यहां का प्रेशर पहले था P1, इसका वॉल्यूम इसके अंदर V1 है, इसका प्रेशर P2 है, इसका वॉल्यूम आपका V2 हो गया, इसका प्रेशर P3 हो गया, इसका वॉल्यूम V3 हो गया. तो आइसोथर्मल प्रेशर आपको PV का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट होता है. जब बोलेंगे भाई इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स जो एयर होंगे, ये इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा n3 के इक्वल. तो इसके अंदर अगर नंबर ऑफ मोल्स n1 है, इसके अगर n2 है, तो दोनों मिलके n3 हो जाएंगे. और n की जो वैल्यू होती है वो pv by rt होती है. तो इसके अंदर जो प्रेशर p1 है, वॉल्यूम v1 है by rt हो गया, प्लस आपका यहाँ पे p2 हो गया, वॉल्यूम v2 हो गया by rt हो गया, और n3 में प्रेशर p3 हो गया, वॉल्यूम v3 हो गया by rt हो गया. तो आइसोथर्मल तो टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट नहीं है. वैसे भी अगर नहीं भी दिया होता तो हम यूजली टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ले लेते. क्वेश्चंस में अगर कई बार नहीं भी दिया हो तो हम टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट ले.
ये रिलेशन आ गया। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो, आपको क्या है कि बाहर अगर प्रेशर पी नॉट है तो इसके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, है ना, कितना ज्यादा होता है 40/R से। इसके अंदर प्रेशर पी वन जो होगा वो पी नॉट प्लस 40/E हो जाएगा, है ना, वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे तो पी वन की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी पी नॉट प्लस 40/E, के अंदर में तो प्रेशर ज्यादा होता है, बबल है इसलिए 40/E होगा, इनटू वॉल्यूम आपको पता है स्फेरिकल है तो 4/3 πa³ हो गया, प्लस दूसरे के अंदर हो जाएगा पी नॉट प्लस 40/B, इनटू वॉल्यूम आपका हो गया 4/3 πb³ स्क्वायर टू, जो बड़ा बबल बना इसके अंदर प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस 40/C, है ना, एंड वॉल्यूम आपका हो जाएगा 4/3 πa³, यहां से 4/3 πa² और जगह से कैंसिल हो गया, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके आप टी निकालो, तो जैसे आप टी निकालोगे तो जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो आपका ये आ जाएगा, है ना, एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है वो आपका डिराइव होगा, जो टी की वैल्यू होगी वो आप कितनी हो जाएगी, है ना, टी स्क्वायर तो आपको हो जाएगा पी नॉट इंटू c³ माइनस a³ माइनस आपका b³, डिवाइड बाई आपका आ जाएगा 4 है ना a² प्लस b² माइनस c², ये आपका जाएगा। तो ये डेरिवेशन एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ना कि भाई दो सोप बबल अगर कॉइलेस होके अगर एक लार्ज सोप बबल बना रहे हैं, है ना, और अंडर एक्सटर्नल कंडीशन, तो उस केस में सरफेस टेंशन का एक्सप्रेशन भी होता है। इसी में कई बार थोड़ा ध्यान रखना, कई बार ये बोलते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नेगलिजिबल, कि अगर मैं इसमें पी नॉट ऑलमोस्ट जीरो ले लूं, हां कि पी नॉट के एक्सप्रेशन को अगर मैं जीरो ले लूं तो यहां से आपका ये आ जाएगा कि c² की वैल्यू किसके हो जाएगी a² + b² हो जाएगी, मतलब c की वैल्यू जो होगी √a² + b², है ना, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर नेगलिजिबल या जीरो होगा तभी हम ऐसा बोल सकते हैं भाई जो लार्ज बबल की रेडियस होगी वो दोनों बबल की रेडियस के स्क्वायर के सम के अनुरूप इक्वल, ये वाला जो एक्सप्रेशन होता है ये जनरल एक्सप्रेशन नहीं, जनरल तो ये है ना, लेकिन अगर पी नॉट की वैल्यू हम बहुत कम ले लें नेगलिजिबल तो उस केस में सी की वैल्यू क्या हो जाएगी √a² + b², तो इसका ये स्पेशल केस है ना, इसका क्या हो गया जैसे कि आपके स्पेशल केस, एक तो ये क्वेश्चन आता है ऐसे डेरिवेशन, एक और है वो भी अभी करते हैं, पहले आप इसको लिख लो, बाकी इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में, अभी तो सरफेस टेंशन के बहुत क्वेश्चंस हमने नहीं किए हायर लेवल जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। चलो एक और क्वेश्चन कर लो थोड़ा सा, वो भी इंपॉर्टेंट है, ओके यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। इसका न्यूमेरिकल आंसर आप सुन,
इसमें पूरा कंबाइंड हुआ है, स्टिल कंबाइंड है। ओके अभी शो करता हूँ बेटा, मैंने स्वी लेट हो गया, कोई नहीं अभी शो करते हैं, नहीं तो फिर मैं रैप कर दूंगा, एक तरफ का तो कर भी चुका हूँ। फाइव थर्टी तक क्लास है बेटा आपकी, बस भव्या थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा है आंसर में, बाकी देखते हैं अभी। मैंने डायग्राम बना दिया यहाँ पे, जो डायग्राम है ना है ना, ये डायग्राम मैंने बना दिया है कि भाई एक बबल था जिसकी की रेडियस कम है, एक बबल था जिसकी की रेडियस ज्यादा है, जब दोनों कंबाइन होंगे तो जो कॉमन सरफेस होगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता है ना, कि बीच में जो कॉमन सरफेस होगा ना इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आपको पता है। मतलब पूरी तरह से कंबाइन नहीं हुए हैं दोनों, चिपक गए हैं इससे, तो कॉमन का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता है। इसमें आर वन आर टू आपको गिवन है ना, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन सरफेस।
ऑफ कॉमन सरफेस। ओके आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। है ना, काफी हद तक आपने ट्राई तो किया है लेकिन थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। आपका भी आंसर ऐसे ही आ रहा है, लेट मी चेक, कोई कोई फॉर्मूले में मिस्टेक तो नहीं है, चेक कर लेता हूं मैं। देखो कुछ नहीं होता इसमें, आप ऐसा सोचो इसमें कि बाहर में प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक है, तो इसके अंदर जो प्रेशर होगा वो पी नॉट प्लस 40 बाई R2 हो जाएगा, और इसके अंदर जो प्रेशर होगा वो पी नॉट प्लस 40 बाई R1 हो जाएगा। एक्चुअली इसका प्रेशर इससे ज्यादा होगा, तो ये स्मॉलर बबल के अंदर R1 कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा ना, तो ये इसको इस तरह से पुश करेगा और इस तरह से एक कॉमन रेडियस प्रेशर। तो आप देखो इन दोनों के डिफरेंस से, इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस डिपेंड कर रहा है ये रेडियस के ऊपर, इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस डिपेंड कर रहा है R1 के ऊपर, तो इन दोनों का जो प्रेशर डिफरेंस होगा इस कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस निकालूं तो ये प्रेशर डिफरेंस आपका हो जाएगा 40 बाई R1 माइनस 40 बाई R, है ना, समझे मेरी बात। यहाँ का प्रेशर डिफरेंस R2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ का प्रेशर डिफरेंस R1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इन दोनों का जो प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे होगा कॉमन सरफेस के ऊपर वो इस R के ऊपर डिपेंड करेगा, प्रेशर डिफरेंस ये तो होगा और ये फर्दर इक्वल हो जाएगा 40 बाई R, वेयर कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेस। ये जो सरफेस बन रहा है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, कैपिटल R, बस यहाँ से एक्सप्रेशन आ गया, यहाँ से 40 40 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो उसका 40 से कोई रिलेशन नहीं है, मीन्स R की वैल्यू आपकी आ जाएगी, हां R का एक्सप्रेशन जो होगा ये जस्ट आपका ये आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू द R1 R2 by R2 minus R, कॉमन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका ये होगा। जैसे इस केस में आपने फॉर्मूला राइट किया कि दोनों जब कंबाइंड होंगे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेगलिजिबल होगी तो जो बड़ा बबल बनेगा उसका रेडियस इस दोनों से रिलेशन, वैसे जब दोनों इस तरह से कंबाइंड है इस तरह से चिपक गए दोनों तो जो कॉमन का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसकी वैल्यू, बस वैल्यूज आप पुट कर दो, वैल्यूज जब पुट करेंगे तो इससे आपका 0.0004 मीटर ही आ जाएगा, जिस जैसे आंसर आएगा वो आपका यही आ जाएगा, चेक कर लेना 0.004 मीटर ही आ जाएगा, चेक कर लो आपके सेंसर में क्या सो वही है। R1 R2 को मल्टीप्लाई करके दोनों का डिफरेंस हम क्या कर देंगे, डिवाइड करना, विल गेट द आंसर, हाँ 0.004 मीटर है, मतलब ये आ रहा है लेकिन कोई नहीं कि इसके इक्वल होगा क्योंकि सेंस तो उसका अलग हो गया ना, इसलिए सेंस की बात कर रहा है। तो भाई ऐसे जब कंबाइंड हुए थे तो ये ऐसा भी हो सकता था, ये जो चीज थी वो ऐसे भी हो सकती थी, है ना, ऐसे भी बन सकता था रेडियस, तो सेंस इस तरह से बन रहा है क्योंकि इसका प्रेशर इससे ज्यादा है, इसको ऐसे पुश करेगा, अगर इसके अंदर का प्रेशर इससे ज्यादा होता तो ऐसे पुश करेगा, रेडियस ऑफ प्रेशर का आंसर 0.004 मीटर ही आ रहा है जो कि इसके इक्वल है, लेकिन फिर भी सेंस अपोजिट है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सर, ये इक्वल टू 40 बाय आर कैसे रख दिया बेटा, जैसे यहां का प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, 40 बाय R2 होता है, यस सर, है ना, R2 रेडियस है, यहां का प्रेशर डिफरेंस कितना होता है, 40 बाय R1 होता है, तो इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, 40 बाय इसी के इक्वल तो होगा या का जो रेडियस होगा, यस सर, ग्रेविटेशन छोटा था, तो फ्लूइड मैकेनिक्स हमने पूरा पढ़ लिया, पूरी चीज है, बस एक क्लास और होगी जिसमें हायर लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो, है ना, वो इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि उसके बिना तो आपको ग्रिप आएगी नहीं, अभी तो आप थ्योरेटिकल चीजें ही पढ़ रहे हो और छोटे छोटे क्वेश्चंस का, एक थोड़े से क्रिटिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्लास होगी नेक्स्ट क्लास जो है ना सैटरडे के दिन, उसके बाद विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, है ना, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, दैट्स ऑल, बाय बाय सर। अगला चैप्टर कौन सा करेंगे, अगला चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन।